कहना है, आपकी सोच क्या है? क्योंकि आप में से ही कुछ लोग अफसर बनेंगे और वही 2021 में इसको पूरा करवाएंगे। आज 2019 चल रहा है, 2 साल का बहुत समय है। आप ही लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोगों ने अफसर बनना है और आप ही लोगों से राय मांगी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं और दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये आपके आगामी पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, आज जो हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल और नेशनल गेम्स, यानी राष्ट्रीय खेल के बारे में जो उत्तराखंड में कब प्रस्तावित है, नवंबर 2021 में प्रस्तावित है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप उसको पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कृपा कीजिएगा कि पहला राष्ट्रीय खेल कहां और किस वर्ष में शुरू हुए भारतवर्ष में। तो चलिए अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें से आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, इसमें से हो सकता है एक प्रश्न बन जाए। तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें, इसमें भारतवर्ष में जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर सभी राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं वो साल में एक बार खेलने आते हैं तो उसे राष्ट्रीय खेल कहते हैं। तो उत्तराखंड में नवंबर 2021 में प्रस्तावित है, ये 38 नंबर का है। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड को बहुत मौके मिले लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा संसाधनों की कमी की वजह से ये पीछे खिसकते गया और अब जो इसकी डेट अभी भी प्रस्तावित है तो ये डेट प्रस्तावित कब है, नवंबर 2021। इससे पहले 2020 में होने थे लेकिन जो मेजबानी इसकी दे दी गई है वो किसको दे दी गई है, छत्तीसगढ़ को। और इस वर्ष यानी 2019 में कहां पे हो रहे हैं, 2019 में गोवा में होंगे आपके राष्ट्रीय खेल। 38 नवंबर 2021, पहले 2020 में आपका छत्तीसगढ़ में अब हो जाएंगे। टोटल कितने दिन के होंगे, टोटल 14 दिनों के गेम होंगे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा भी कुछ दिनों पहले घोषणा की गई, खेलगांव बनाए जाएंगे। खेलगांव यानी जहां पर स्पोर्ट्स अधिकारी, स्पोर्ट्स ऑफिसर या जो खिलाड़ी हैं वो रुकते हैं। तो उत्तराखंड में 2 जगह बनेंगे, देहरादून और हल्द्वानी। देहरादून में लगभग 8,000 खिलाड़ी और अधिकारियों की रुकने की व्यवस्था होगी, हल्द्वानी में 4,000 खिलाड़ियों या अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। तो खेलगांव 2 जगह बनेंगे, देहरादून में और हल्द्वानी में। हमारे जो खेल मंत्री हैं इस समय, खेल मंत्री कौन है, श्री अरविंद पांडे जी। यहां पर एक आप फिर से देखिएगा, श्री अरविंद पांडे जी के पास और कौन कौन से विभाग हैं, खेल मंत्री हैं श्री अरविंद पांडे जी। अब उसके बाद हम चलते कुल मिला के कितने आपके गेम्स होंगे, कुल मिला के दोस्तों यहां पर आपके होंगे 34 स्पोर्ट्स होंगे, 34 प्रकार के गेम होंगे, 34 प्रकार के इवेंट होंगे 8 शहरों में, 34 गेम 8 शहरों में। 2 गेम कौन कौन से हैं, देहरादून और हल्द्वानी। देहरादून में 15 गेम्स होंगे और हल्द्वानी में 8 गेम होंगे। और जो आपका 34 में 8 शहरों में, उसके अलावा देहरादून हल्द्वानी के अलावा कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़, नैनीताल, गुलरभोज, ऋषिकेश, रुद्रपुर और हरिद्वार। तो 8 शहरों में आपके गेम्स होंगे। यहां पे हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात है, चाहे पढ़ने वाले हो चाहे जिनका बिजनेस हो, तो इससे जॉब्स आएंगी। तो हम चलिए अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब जो मस्कट है, मस्कट यानी जो उसका चित्र होता है, वह चित्र किसका बना हुआ है, मोनाल पक्षी का बना हुआ है। मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2021 में आपके गेम्स होने हैं उसके मस्कट का क्या नाम है। तो मस्कट का नाम रखा गया है मौली, और वो किसका बना हुआ है, वो मोनाल पक्षी का बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा यहां पर पूछा गया था कि किसको बनाया जाए, तो 2 के बीच में कंपटीशन चल रहा था, मस्क डियर के बीच में और मोनाल पक्षी के बीच में। तो मोनाल पक्षी को फाइनल कर दिया है और मोनाल पक्षी में भी उसका नाम क्या रख दिया है, मौली नाम रख दिया। और उसके लिए बजट कितने का आवंटित किया गया है, 969 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है 2021 के राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए उत्तराखंड में। ये करवाता कौन है, इसकी जो समिति है वह है भारतीय ओलंपिक संघ। पूछा जाता है कभी-कभार प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, 1927 में, और इसका जो आपका ऑफिस है, हेडक्वार्टर, वो कहां पर है, दिल्ली में है। तो दोस्तों आज तो हमने जाना राष्ट्रीय खेल के बारे में, नेशनल गेम्स के बारे में। अब एक यहां पर एक पैंच कह सकते हैं फंसा हुआ है कि 2021 में उत्तराखंड सरकार को दो दो मुख्य आयोजन करवाने हैं 2021 में। पहले जनवरी के शुरुआती जो हम कहें पहले 6 महीने में उत्तराखंड को महाकुंभ करवाना है हरिद्वार में, उसके बाद लास्ट में महीने के, सॉरी साल के लास्ट में नवंबर में इनसे
क्या करवाना है, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स करवाने हैं। तो आप यहां पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड राज्य यानी हम लोग उत्तराखंड सरकार हो चाहे उत्तराखंड की जनता हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सबकी है, क्या हम इसका सफल आयोजन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपके क्या क्या सुझाव हैं सरकार के लिए, क्योंकि खेल गांव बनने हैं, बहुत सारी यहाँ पे नौकरियां निकलेंगी, बहुत सारा रोजगार उत्पन्न होगा, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा बनना है। आपने पहले भी जितने भी गेम्स देखे वहां पर ये सारे बने हुए, तो जैसे दिल्ली में आपने देखा खेलगांव, पूरा खेलगांव बसा हुआ है अभी भी, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। तो आपका क्या कहना है, आपकी सोच क्या है, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग अफसर बनेंगे और वही 2021 में इसको पूरा करवाएंगे। आज 2019 चल रहा है, 2 साल का बहुत समय है। आप ही लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोगों ने अफसर बनना है और आप ही लोगों से राय मांगी जाएगी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, यदि आप हल्द्वानी में रहकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लिखे हुए नंबरों पर एक्सीलेंट क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।